भूपेश बघेल सरकार गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदने जा रही है। प्रदेश के गोथानों में 28 जुलाई हरेली तिहार से गौमूत्र की खरीदारी शुरू होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले के 2 स्वावलंबी गोथानों में गौमूत्र की खरीदी सरकार करेगी। देश में पहली गोबर खरीदने वाली सरकार के रूप में जानी जाती है, लेकिन अब प्रदेश सरकार किसानों के लिए एक और अहम कदम उठाने जा रही है। 2 रुपए प्रति किलोग्राम गोबर खरीदी के बाद सरकार अब गौमूत्र की खरीदी भी शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए कम से कम 4 रुपए प्रति लीटर की दर तय कर दी है। इसके अलावा गौथान प्रबंध समिति गौमूत्र खरीदी की दर स्थानीय स्तर पर भी तय कर सकती है। इस योजना की शुरुआत हरेली तिहार से 28 जुलाई से हो रही है। पहले चरण में प्रत्येक जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौथानों में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी साल अप्रैल मई में गौमूत्र खरीदी की घोषणा की थी। इसके बाद कृषि विभाग ने कामधेनु विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से गौमूत्र के वैल्यू एडिशन पर एक अध्ययन कराया। इसके बाद इसकी चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की जा रही है। सरकार इस योजना के जरिए मवेशी पालन से जुड़े लोगों की कमाई के स्रोत बढ़ाने और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।